आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 8,334 नए मामले आए सामने। 24 घंटे के अंदर कोरोना से 4 लोगों की मौत। राजधानी में 24 घंटे में 1,000 से ज्यादा मामले आए सामने। 24 घंटे में लखनऊ में कोरोना के 1,114 नए मामले आए सामने। गाजियाबाद में कोरोना के 1,385 नए मामले आए सामने। गौतम बुद्ध नगर में 1,223, मेरठ में 1,071 मामले आए सामने। यूपी में सक्रिय मरीजों की संख्या 33,946 हो गई। लखनऊ में सक्रिय मरीजों की संख्या 4,702। बड़ी खबर सामने आ रही है, उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले 8,334। 24 घंटे के अंदर 4 लोगों की मौत। राजधानी में 24 घंटे में 1,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। 24 घंटे में लखनऊ में कोरोना के 1,114 नए मामले आए सामने। बड़ी खबर सामने आ रही है, गाजियाबाद में कोरोना के 1,385 नए मामले आए सामने। गौतम बुद्ध नगर में 1,223, मेरठ में 1,071 मामले आए सामने। यूपी में सक्रिय मरीजों की संख्या 33,946। लखनऊ में सक्रिय मरीजों की संख्या 4,702। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 8,334 नए मामले। 24 घंटे के अंदर कोरोना के 4 लोगों की मौत। राजधानी में 24 घंटे में 1,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। 24 घंटे में लखनऊ में कोरोना के 1,114 नए मामले आए सामने। गाजियाबाद में कोरोना के 1,385 नए मामले आए सामने। गौतम बुद्ध नगर में 1,223 और मेरठ में 1,071 मामले आए सामने। यूपी में सक्रिय मरीजों की संख्या 33,946। लखनऊ में सक्रिय मरीजों की संख्या 4,702। बड़ी खबर सामने आ रही है, उत्तर प्रदेश से जहां 8,334 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना विस्फोट हुआ है। 24 घंटे के अंदर कोरोना से 4 लोगों की मौत। राजधानी में 24 घंटे में 1,000 से ज्यादा मामले आए सामने। 24 घंटे में लखनऊ में 1,114 नए संक्रमित मिले। गाजियाबाद में कोरोना से 1,385 नए मामले आए सामने। गौतम बुद्ध नगर में 1,223, मेरठ में 1,071 मामले आए सामने। यूपी में सक्रिय मरीजों की संख्या 33,000 से ज्यादा। लखनऊ में सक्रिय मरीजों की संख्या 4,702। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 8,334 मामले आए सामने। 24 घंटे के अंदर कोरोना से 4 लोगों की मौत। राजधानी में 24 घंटे में 1,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। 24 घंटे में लखनऊ में कोरोना के 1,114 नए मामले आए सामने। गाजियाबाद में कोरोना के 1,385 मामले आए सामने। गौतम बुद्ध नगर में 1,223, मेरठ में 1,071 मामले आए सामने। यूपी में सक्रिय मरीजों की संख्या 33,946। लखनऊ में सक्रिय मरीजों की संख्या 4,702। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 8,334 नए मामले आए सामने। लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। 4 लोगों की मौत भी हुई है 24 घंटे में। तो उत्तर प्रदेश में कोरोना विस्फोट हुआ है 24 घंटे में। लखनऊ में 1,000 से ज्यादा 1,114 नए मामले सामने आए हैं। गाजियाबाद की बात करें तो 1,385 नए मामले सामने आए। गौतम बुद्ध नगर में 1,223, मेरठ में 1,071 मामले आए सामने। यूपी में सक्रिय मरीजों की संख्या 33,946। लखनऊ में सक्रिय मरीजों की संख्या 4,702। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 8,334 नए मामले। 24 घंटे के अंदर कोरोना से 4 लोगों की मौत। लगातार कोरोना अपना पैर पसार रहा है। कोरोना के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यूपी में कोरोना के कई मामले सामने आ चुके हैं। सबसे ज्यादा आंकड़े अभी तक के देखे जा रहे हैं। बीते 9 महीने बाद इतनी तेजी से कोरोना बढ़ रहा है, अपने पैर पसार रहा है। बात करें राजधानी लखनऊ की तो यहाँ भी कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं और सक्रिय मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। डराने वाले आंकड़े अब सामने आने लगे हैं। लोगों की लापरवाही का नतीजा अब दिखने लगा है। 24 घंटे में लखनऊ में 1,114 नए मामले आए सामने। बड़ी खबर सामने आ रही है, गाजियाबाद में कोरोना से 1,385 नए मामले। गौतम बुद्ध नगर में 1,223, मेरठ में 1,071 नए मामले आए सामने। यूपी में सक्रिय मरीजों की संख्या 33,946। लखनऊ में सक्रिय मरीजों की संख्या 4,702। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 8,334 मामले आए सामने। 24 घंटे के अंदर कोरोना से 4 लोगों की मौत भी दर्ज की गई है। हालांकि जितनी तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, मौतों की संख्या उस हिसाब से कम है, लेकिन जागरूक रहने की जरूरत है क्योंकि कोरोना के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। गाजियाबाद में, गौतम बुद्ध नगर में, मेरठ में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। लखनऊ में भी 1,000 के पार मामले सामने आए हैं। यूपी में सक्रिय मरीजों की संख्या 33,000 से ज्यादा हो गई है। तो 24 घंटे में
4 लोगों की मौत भी हुई है। कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे, सक्रिय मरीजों की संख्या भी अब रिकॉर्ड तोड़ती नजर आ रही है। 24 घंटे में लखनऊ में 1114 नए मामले सामने आए हैं, तो कोरोना की रफ्तार तेज होती दिख रही है। गाजियाबाद में कोरोना के 1000 से ज्यादा मामले सामने आए, गौतम बुद्ध नगर में 1223 मामले दर्ज किए गए। यूपी में सक्रिय मरीजों की संख्या अब 33,946 हो गई है। लखनऊ में 4,702 सक्रिय मामले हैं। लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 4 लोगों की मौत भी हुई है। इस खबर पे हमारे साथ बातचीत के लिए संवाददाता अजहर खान जुड़ चुके हैं। अजहर, कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और जो सक्रिय मरीजों की संख्या सामने आ रही है वो डराने वाली, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरीके से कोरोना का जो प्रकोप है वो बदस्तूर जारी है और जिस तरह से कोरोना के मामले लगातार बीते दिनों भी बढ़ते आए हैं, वैसे ही बीते 24 घंटे में भी जो आंकड़ा है वो लगभग 1000 के पार निकल चुका है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो लगभग यहाँ पर जो मरीजों की सक्रिय मरीजों की संख्या है वो लगभग 33,946 पहुंच चुकी है और राजधानी लखनऊ की सिर्फ अगर हम बात करें तो यहाँ पर मरीजों की संख्या 4,702 सक्रिय मरीज अभी यहाँ पर मौजूद है और बीते 24 घंटों में जो राजधानी लखनऊ में मामले आए हैं वो लगभग 1,114 मामले आए हैं और अगर हम एक दिन पहले की बात करें तो तब भी 1,000 से ऊपर ही मामले आए थे। वहीं उत्तर प्रदेश के कई और जनपद ऐसे हैं जैसे कि गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, तो वहां भी 24 घंटे में लगभग 1,000 से ऊपर मामले देखने को मिले। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये एक जो संक्रमण है वो लगातार फैलता जा रहा है। लोगों की लापरवाही साफ तौर से देखने को मिली जिसकी वजह से ये जो संक्रमण है वो फैलता जा रहा है। जी, तो कोरोना के जो मामले सामने आ रहे हैं और वैक्सीनेशन के आंकड़े भी बढ़ते जा रहे हैं, तो वैक्सीनेशन तेजी से हो रहा है जिसकी वजह से इम्यूनिटी लोगों की बढ़ रही है, अब मौतों की संख्या कम है इस बार, क्या कहेंगे वैक्सीनेशन कितना कारगर साबित हुआ है सर? जी बिल्कुल, साफ तौर से जो लोग वैक्सीनेटेड हैं और अगर उनमें संक्रमण देखने को मिल रहा है तो कहीं ना कहीं हल्के लक्षण ही देखने को मिल रहे हैं और सरकार ज्यादा जोर और स्वास्थ्य कर्मी ज्यादा जोर दिया जा रहा है इस पे वैक्सीनेशन को लेकर और वैक्सीनेशन लोग करा रहे हैं, अब तो बच्चों को भी वैक्सीनेशन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो वैक्सीनेटेड लोग हैं उनपे इसका संक्रमण का असर भी कम पड़ रहा है और अब तो 15 से 18 साल के लोगों को भी वैक्सीनेशन हो रहा है बच्चों को, तो कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन पे ज्यादा जोर डाला जा रहा है, लोग वैक्सीनेशन करा रहे हैं। जी, बच्चों के लिए भी अब वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है, अब तक कितने आंकड़े सामने आए हैं बच्चों के पहले वैक्सीनेशन के? जी बिल्कुल, वैक्सीनेशन जो बच्चों का है वो लगातार जारी है। लगभग अगर हम रोज की बात करें तो कहीं ना कहीं लोग आ रहे हैं, वैक्सीनेशन करा रहे हैं। लगभग अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो जिला अस्पताल, लगभग प्रत्येक जिले में अस्पतालों में कम से कम 1,000 से ऊपर जो 15 से 18 साल के बच्चे हैं वो आ रहे हैं और वैक्सीनेशन करा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो वैक्सीनेशन का आंकड़ा है ये भी बढ़ता नजर आ रहा है और जिस तरीके से संक्रमण फैल रहा है उसी तरह से वैक्सीनेशन भी जो लोग हैं, जैसे फर्स्ट डोज लोगों ने, आपको बता दें कि लगभग 90% लोगों ने फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन की लगवा ली है और जो सेकेंड डोज है वो लगभग 50% लोगों ने लगवा ली है और इसके अलावा जो बूस्टर डोज है वो अब लगाए जा रहे हैं लोगों के। तो कहीं ना कहीं इससे जो कोरोना की तीसरी लहर है इससे लड़ने के लिए कहीं ना कहीं हम पूरी तरह से तैयार हैं। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगली खबर भी बने रहिए सर, हमें जानकारी देते रहिए। और लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं अलग अलग जगह से, उत्तर प्रदेश से जो मामले सामने आ रहे हैं वो ये चेता रहे कि हमें जागरूक रहने की जरूरत है, क्योंकि जो कोरोना के मामले हैं, कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 33,946 पहुंच गई है, तो हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने जारी किए निर्देश। बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर जारी किए निर्देश, बड़ी खबर सामने आ रही है, बाहरी यात्रियों का टेस्ट अनिवार्य, सीएस ने कहा। सरकारी निजी दफ्तरों में 50% क्षमता से कार्य करें, निजी कर्मिकों को 7 दिन का होम आइसोलेशन मिले, पॉजिटिव आने पर 7 दिन का होम आइसोलेशन। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दिशा निर्देश जारी कर दिए मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने जारी किए दिशा निर्देश।
बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर जारी किए दिशा निर्देश। बाहरी यात्रियों का टेस्ट अनिवार्य, सीएस ने कहा। इस खबर में भी हमारे साथ बातचीत के लिए संवाददाता अजहर खान जुड़े हुए हैं। अजहर, सीएस ने नए दिशा निर्देश जारी किए जिसमें बाहर से आने वाले यात्रियों का टेस्ट अनिवार्य कर दिया है और भी कई निर्देश दिए हैं, क्या कुछ जानकारी आपके पास, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना होगा? जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरह से कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये चिंताजनक स्थिति है और इसको लेकर मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने कई दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। जिस तरह से सरकारी और निजी दफ्तरों में 50% कर्मचारियों की संख्या के साथ साथ कार्य किया जाए और वहीं जो निजी कर्मचारियों के जो कोरोना अगर वो कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उनको 7 दिन के होम आइसोलेशन में भी भेजा जा रहा है, जिसके बाद होम आइसोलेशन में जो लोग हैं वहां पर जाकर जो जिला अधिकारी हैं वो उनके घर पे जाकर उनका हालचाल भी ले रहे हैं, उनको मेडिकल किट भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो संक्रमण है वो लगातार फैलता जा रहा है, इसको लेकर जो सीएस ने जो मुख्य सचिव दुर्गा शंकर ने आदेश दिए हैं 50% कर्मचारियों की संख्या के साथ ही चलेंगे अब सरकारी और निजी दोनों दफ्तर। जी अजहर, 7 दिन का आइसोलेशन का समय सीमा बताई गई है और सरकारी कार्यालयों में इसका वेतन भी नहीं काटा जाएगा, निजी के बारे में क्या कहेंगे, क्या निजी कार्यालयों में ये सब चीजों का पालन होगा? जी कहीं ना कहीं आदेश तो इस बात का ही दिया गया है कि 7 दिन का जो अवकाश है वो दिया जाए, अगर किसी के अंदर जो संक्रमण है वो दिखाई दे रहे हैं तो उन्हें 7 दिन का अवकाश दे के और उनकी सैलरी ना काटी जाए, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि ये तीसरी वेव है जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है, इसका जो संक्रमण जो लगातार फैलाव है वो तो ज्यादा है लेकिन कहीं ना कहीं ये इतना ज्यादा खतरनाक नहीं है जैसा कि हमने दूसरे वेरिएंट में देखा, डेल्टा दूसरी लहर में देखा, तो वो उतना ज्यादा खतरनाक नहीं है। तो ये लगभग 7 दिन का जो ये होम आइसोलेशन है इसमें कहीं ना कहीं जो आदेश दिया गया है कि जो चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो या निजी कर्मचारी हो तो उनका सैलरी ना काट कर उनको 7 दिन का वेतन देकर उनको होम आइसोलेशन रखने के बाद ही कहीं ना कहीं, तो अगर लॉकडाउन जैसी स्थिति नहीं पैदा हो रही है, लॉकडाउन सरकार नहीं लगा रही है, तो इस तरह की छूट देना कर्मचारियों को तो कहीं ना कहीं जरूरी है। जी बिल्कुल अजहर, अगर दिशा निर्देशों का कोई पालन नहीं करता है तो किस तरह की सख्ती बढ़ती जाएगी? जी बिल्कुल, साफ तौर से जैसा कि सरकार का कहना है कि जो दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जो भी कोरोना जिसके द्वारा भी कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और महामारी एक्ट के द्वारा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी सरकारी और निजी दोनों दफ्तरों को 50% क्षमता के साथ काम करना होगा तो बाकी के जो 50% कर्मचारी है वो वर्क फ्रॉम होम करेंगे, क्या इसके लिए भी आदेश दे दिए गए हैं? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं साफ तौर से वो जो वर्किंग प्रोसेस है वो तो अब सरकारी और निजी ऑफिस ही तय करेंगे कि किस तरह से जो कर्मचारियों को आना है अल्टरनेटिव वे में बुलाना है या 50% एक डे में 50% दूसरे डे में या कोई वर्क फ्रॉम होम करेंगे, ये तो उनका मामला है, ये वो किस तरह से वर्किंग शेड्यूल तय करते हैं, किस तरह से अल्टरनेटिव वे में एम्प्लॉयज की ड्यूटी लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब प्रॉपर टाइम में इन अ डे 50% ही कर्मचारी रहेंगे किसी भी सरकारी या निजी दफ्तर में। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता अजहर खान जुड़े थे। तो दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए, सरकारी और निजी कर्मचारियों के लिए होम आइसोलेशन देने की बात साफ तौर पर कही गई है। मथुरा में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन सख्त, DMSSP ने नौझील मतदान केंद्रों का किया निरीक्षण, बड़ी खबर सामने आ रही है। शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। मथुरा में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन सख्त, DMSSP ने नौझील मतदान केंद्रों का किया निरीक्षण, बड़ी खबर सामने आ रही है। मथुरा से शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। मथुरा में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है, DMSSP ने नौझील मतदान केंद्रों का किया निरीक्षण, शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। बड़ी खबर सामने आ रही है जहां चुनाव को लेकर अब तैयारी तेज हो चुकी है। मथुरा में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन सख्त हो चुका है, DMSSP ने नौझील मतदान केंद्रों का किया निरीक्षण,
शादीपुर चुनाव कराने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश, बड़ी खबर सामने आ रही है। मथुरा में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन सख्त, डीएमएसएसपी ने नौझील मतदान केंद्रों का किया निरीक्षण। फिरोजाबाद में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां कोरोना के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिले में 24 घंटे में 28 केस निकले। पुलिस महकमे से एक अफसर भी संक्रमित, बड़ी खबर सामने आ रही है। जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 110। सीएमओ ने जारी किया प्रेस नोट, बड़ी खबर सामने आ रही है। रिपोर्ट में कई क्षेत्रों के लोग संक्रमित। फिरोजाबाद में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, जिले में 24 घंटे में निकले 28 केस। पुलिस महकमे से एक अफसर भी संक्रमित, जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 110। सीएमओ ने जारी किया प्रेस नोट, बड़ी खबर सामने आ रही है। रिपोर्ट में कई क्षेत्रों के लोग संक्रमित। फिरोजाबाद में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां कोरोना के मामले लगातार अलग अलग जिलों से सामने आ रहे हैं, वहीं जिले में 28 केस मिले हैं। कन्नौज में देर रात बदमाशों ने की फायरिंग, बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां अज्ञात बदमाशों ने युवक को मारी गोली, सूचना पाकर मौके पर पहुंचे सीओ छिब्रामऊ, घायल को सौ सैया अस्पताल में कराया भर्ती। डॉक्टरों ने युवक को किया मृत घोषित, बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां पुलिस आरोपियों की जांच पड़ताल में जुट गई है, फायरिंग की घटना सामने आई है। बड़ी खबर सामने आ रही है कन्नौज से, जहां देर रात बदमाशों ने की फायरिंग, अज्ञात बदमाशों ने युवक को मारी गोली, बड़ी खबर सामने आ रही है। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे सीओ बिछरामऊ। मथुरा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, सांसद हेमा मालिनी की बिगड़ी तबियत, गले में दर्द और बोलने में हो रही परेशानी, हेमा मालिनी ने कराई कोरोना की जांच। सांसद प्रतिनिधि जनार्दन शर्मा ने की इसकी पुष्टि, जनार्दन शर्मा सहित अन्य लोगों की भी हुई जांच। जांच के बाद हेमा मालिनी मथुरा से दिल्ली रवाना। मथुरा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, सांसद हेमा मालिनी की बिगड़ी तबीयत, गले में दर्द और बोलने में हो रही परेशानी, हेमा मालिनी ने कराई कोरोना की जांच। सांसद प्रतिनिधि जनार्दन शर्मा की भी हुई जांच, जनार्दन शर्मा सहित अन्य लोग की भी हुई जांच। रायबरेली में बीजेपी उम्मीदवार सुधा द्विवेदी का दौरा, सरेनी विधानसभा की संभावित उम्मीदवार है सुधा द्विवेदी। सुधा द्विवेदी का लालगंज में डोर टू डोर चुनावी अभियान, सुधा द्विवेदी को मिल रहा है जनता का भारी जन समर्थन। रायबरेली में बीजेपी उम्मीदवार सुधा द्विवेदी का दौरा, सरेनी विधानसभा की संभावित उम्मीदवार है सुधा द्विवेदी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।